नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जिस तरह से ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर अब सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा जा रहा है और खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच अगर बात करें तो अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाम को भी इस पूरे मामले में घसीटा गया है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि अब राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का है। आपको बताएं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हो रही कार्रवाई को लेकर सुशील मोदी ने इस कड़ी को लालू प्रसाद यादव से जोड़ा है और लालू प्रसाद यादव पर अपनी जो भड़ास है वो सुशील मोदी ने निकाली है। बता दें कि ट्वीट करते हुए सुशील कुमार मोदी ने लिखा है कि 1937 से 1938 में 5000 स्वाधीनता सेनानियों के चंदे से जो एसोसिएट जनरल्स कंपनी बनाई गई थी वो नेहरू गांधी परिवार की निजी संपत्ति नहीं थी। कंपनी जब 2008 में 90 करोड़ रुपए कर्ज में डूबी थी तब सोनिया और राहुल गांधी ने नई कंपनी बनाकर एजीएल को कर्ज दिया और फिर उसके शेयर खरीदकर 5000 करोड़ की भू संपत्ति हड़प ली। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन कंपनी को भ्रष्ट तरीके से हड़पने के मामले में जब ईडी पूछताछ कर रहा है तब कांग्रेस नेता नाटक कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जो है वो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हो। राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाना और जुलूस की शक्ल में ईडी कार्यालय पहुंचाना राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करना है। लेकिन बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जो है वो ईडी की तरफ से कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ये जो संपत्ति हड़पना है और ये जो पूरी साजिश है वो उन्होंने सीखी और यही वजह है कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है और अब राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने लोगों को भड़का करके प्रदर्शन करवा रहे हैं राहुल गांधी, जिसको लेकर सुशील मोदी ने कहा है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता को सपोर्ट करना चाहिए और अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं और ये नाटक करने का गुण जो है वो उन्होंने लालू यादव से सीखा है। यानी कि इस पूरे मामले में सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव के नाम को घसीटा है, जिसको लेकर जो ट्वीट है वो सुशील कुमार मोदी की तरफ से किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।